अब ये तो बात समझ आई कि किसी कॉइल में अगर आप करंट का चेंज करते हैं तो वो खुद कॉइल उस चेंज को अपोज करती है, और बराबर में उसके आसपास दूसरी कॉइल रखी हो तो दूसरी वाली कॉइल भी पहली वाली कॉइल में चेंज का वो अपोज करता है। कितना अपोज करता है इसे हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे एक मैथमेटिकल, एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम है कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका नाम है कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब कोफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन रिप्रेजेंट किया था ए कैपिटल एल, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्या है? देखो अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉयल कितना था, म्यू नॉट एन वन आई अपॉन एल। एन वन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग भी हो सकते हैं, प्राइमरी में कुछ और सेकेंडरी में कुछ और, तो इसलिए प्राइमरी के टर्न्स को मैंने लिखा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉयल का एक टर्न तो मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइव भी आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ओनली। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से कि फाइ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉयल ऑल्सो डिपेंड ऑन द करंट इन प्राइमरी कॉयल, क्योंकि ये सारी बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट हो गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉयल। सर मुझे तो यूं ही समझ ना आता, कभी तो सेकेंडरी बोलो कभी प्राइमरी बोलो, सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें समय तो समझ में ना आ रहा क्या बोल रहे हो, कभी तो क्या हो सेकेंडरी कभी कहो प्राइमरी, एक ही बात कह लो। ध्यान से सुनिए, हमें फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। करंट हम फ्लो करा रहे हैं प्राइमरी में, प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया सेकेंडरी कॉइल से, बनाया तो प्राइमरी ने है ना, जितना प्राइमरी बनाएगी उतना ही तो लिंक होगा सेकेंडरी से, ये तो सेकेंडरी से लिंक में फाइंड कर रहा हूं। तो सेकेंडरी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, मैं इसका पूरा नाम यहां लिख दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल से लिंक डिपेंड ऑन करंट, लेकिन करंट किस में फ्लो करा रहे हो, करंट तो प्राइमरी में फ्लो करा रहे हो ना, करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, इजी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज। एम क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एम इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये कितना है जी, एम कितना होगा, हमें कैसे पता लगे कि एक कॉयल दूसरी वाली कॉयल में चेंज इन करंट को कितना अपोज कर रही है। सिंपल सी बात है, देखो इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर तो फिर इससे रिजल्ट क्या निकल जाएगा, एम इज इक्वल टू 5 बी। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉयल, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉयल। कैसे, सीधी सी बात है, इस प्राइमरी कॉयल में एग्जैक्ट 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराओ। अब जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस लाल वाली सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो गया, जुड़ गया, बस वही न्यूमेरिकली इक्वल है इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के बीच में ही होता, अकेले में नहीं होता। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल when a current of 1 ampere is flowing through primary coil। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, m is equals to कितना है बोलो, 5b/i। तो यूनिट कितनी होगी बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, और पर एम्पियर, सिंपल सी बात है, वही तो है यूनिट,
जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट थी वही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की थी। सेल्फ इंडक्शन क्या हो रहा है, अपने आप में ही, अपने ही अपने आप में ही है अपोज, और कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन अपोज, दो के बीच का अपोजिशन है, तो इसलिए क्या हुआ ये, इसकी भी यूनिट वही की वही बनी 1 एम्पियर पर मीटर, या दूसरी यूनिट इसकी क्या है, हेनरी, जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 हेनरी इक्वल्स 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से, नहीं मैं डायग्राम दोबारा नहीं बनाऊंगा, टाइम कम है आज। 1 हेनरी कब कहा जाएगा, इन दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कब कहा जाएगा, इन दोनों कॉइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा जब प्राइमरी में फ्लो होने वाली 1 एम्पियर की करंट के द्वारा, प्राइमरी में फ्लो कराई आपने 1 एम्पियर की करंट और बाय द वे इत्तेफाक से सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो गया कितना मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने से अगर सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर हो, तो अब हम कहेंगे इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना है, 1 हेनरी है। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज सेट टू बी 1 हेनरी व्हेन अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू 1 एम्पियर ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। The coefficient of mutual induction between two coils is said to be 1 Henry. Is not said to be 1 Henry. Is 1 Henry when a magnetic flux of 1 Weber is linked due to 1 ampere of current flowing through primary coil. Secondary or primary के बीच में है ये. Secondary और primary के बीच में है coefficient of mutual induction. Link हुआ है secondary वाले से current फ्लो कराई है आपने प्राइमरी वाले में, आपने इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया तो सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, एंड व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स तो चाहे किसी भी तरह से चेंज कर दो, आप इसे जबरदस्ती मारपीट के चेंज करा दो, आप इसे मैग्नेटिक फ्लक्स को बहला फुसला के टॉफी दे के चेंज करा दो, या आप इस पे हथौड़े डंडे मार मार के इसे चेंज करा दो, कोई मतलब नहीं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो फटाक से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तुरंत एकदम, रोके नहीं रुके ईएमएफ इंड्यूस, कितना इंड्यूस हो जाएगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस का पहले ही आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, किसने बता दिया था, फैराडे ने पहले ही कहा था कि ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, माइनस लगा दिया था उनके चेले ने, तो चलो छोड़ दो माइनस को, तो या रहने दो माइनस भी रहने दे, गुरु चेला दोनों को एक साथ रहने देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से, एम आई, मिशन इम्पॉसिबल। लेकिन एम तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, एम यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले लें, अब ये क्या बन गया, माइनस एम डी आई बाई डी टी, फिर से वही देखो वही पुरानी वाली कहानी, यही तो सुंदरता है फिजिक्स की, एक चीज पढ़ो अगली अपने आप आ जाती है। अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 1 एम्पियर पर सेकेंड, आपने प्राइमरी में करंट का चेंज करा 1 एम्पियर, कितना टाइम लगाया इसे चेंज करने में, 1 सेकेंड का टाइम लगाया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो गया 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर ये इत्तेफाक से 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो एम इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ई, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव, नेगेटिव कहो या मत कहो, नेगेटिव तो लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है बस, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। टंग ट्विस्टर, जबरदस्त वाला टंग ट्विस्टर, कुछ कौन सा था वो, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ,
कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। भाई वाह, मैं तो सीख गया। देखो भाई देखो, ऊंट और पूंछ सब कुछ यही की ही है, ध्यान से समझो। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोज कॉइल, क्लोज वर्ड हमें लिखना पड़ता है, अगर दोनों कॉइल एक दूसरे के बहुत दूर हैं तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होने वाला। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोज कॉइल्स इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड से अगर आप करंट का चेंज कर रहे हैं, तब सेकेंडरी के सिरों पर जितना भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फर्क इतना कि इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी यूनिट हेनरी। अब यहां से भी फिर एक 1 हेनरी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, यहां से ही 1 हेनरी, यही तो मजेदारी की चीज है फिजिक्स में। एक सिरे पकड़ो और पूरा का पूरा जो है ताना बाना सब कुछ हाथ में आ जाता है, हर चीज आ जाती, पता लग जाती है यहाँ सब कुछ। देखना जरा ध्यान से देखो, साढ़े क्या बात है, अभी तो 1:30 नहीं बजा, शायद 1:18 हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, इफ DI/DT इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड E=1 वोल्ट, तो अब देखना क्या बनेगा। 1 = -m × 1, m = 1 हेनरी। तो क्या बना। हाँ जी, फिर से समझते हैं। देखो, आपने प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज किया 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से, 1 एम्पियर करंट घटाने या बढ़ाने में टाइम टाइम लगाया 1 सेकेंड, और बाय द वे उस कॉइल के सिरों पर वोल्टेज इंड्यूस हो गया, सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर वोल्टेज इंड्यूस हो गया 1 वोल्ट। तब आप कहेंगे कि इन दोनों कॉइल्स के बीच कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी है। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज 1 हेनरी व्हेन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में चेंज करना, सेकेंडरी में इंड्यूस देखना आपको। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल इज 1 हेनरी व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड कॉज एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट टू बी इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। मेरी लैंग्वेज बदल जाती हर बार में, तो वर्ड्स पर ध्यान दो। कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल इज 1 हेनरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड इट कॉज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई है, कोई किसी को कंफ्यूजन?